कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं है, कब्ज कैसा जिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिंदगी नीरज जी ने बिताई नहीं है, जी है। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त से राधा। आपका समर्थन चाहिए। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित थे कि प्रेम में डूबी हुई थी। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित सी राधा, राधा मुस्काई कृष्ण सक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश, अब आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अपने बेटे को पप्पू के नाम से बुलाते हो, किसी दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज हैं, क्या मेरे प्यार वाले नाम से आज उसको नहीं बुलाओगे। कैसे वो द्वारकाधीश जो राधा उन्हें काना काना कहकर के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया, फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी काना हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। तालियां राधा के जवाब। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे। और समर्थन अब करना, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम याद आते और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते थे। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकलने जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ, काना से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। काना से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए, यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और दसों उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है, आप प्रेम से डूबते तो हर अंग विकास का काम करता है, प्रेम से अलग होते तो हर अंग विनाश का काम करता है। कृष्ण अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण काना और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं, काना होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी भी। और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी, वैसे भी हम मोबाइल नीचे रखते प्लीज, मुझे एलर्जी है चीजों से। जिन बात के लिए पूरी कविता लिखी, इतने भागवत वाचक आए, किसी ने इस बात का उल्लेख मैंने अपने ढंग से किया, उसकी वजह भी बता रहा। कृष्ण तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो,
नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में ये ज्ञानों ने लिया, अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। अब दो अच्छी पंक्तियां बन पड़ी, अच्छे लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट कर। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा वो व्यक्ति दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आखिरी पंक्तियां, पूरे सदन की तालियां और आशीर्वाद चाहूंगा। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। हर घर में हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे करते हैं। और यही कह सकता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। और अच्छी पंक्तियां बन पड़े तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा साहब। राजनीति कुछ भी कहे, हम क्या सोचें, कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो।